अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के व्लॉग आपके लिए लाया है कुछ मॉर्निंग रूटीन। हाउसवाइफ किस तरह से अपने रूटीन सेट करती हैं, मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग मेरे साथ मेरे व्लॉग को एंजॉय करें और मे बी आप लोगों को कुछ डिफरेंट आइडियाज़ भी मिल जाएँ कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली उस टाइम जब आप अपने आप को एक टारगेट देते हैं कि इस टाइम इस तरह से हम आज अपना डे स्पेंड करेंगे और अपने कामों को सेट करेंगे। तो उस हवाले से भी मेरा आज का व्लॉग है, क्योंकि मैंने आज अपने आप को एक टारगेट दिया था कि मैंने इस टाइम तक अपना ये सारा काम फिनिश करना है। तो चलिए टाइम जाए कि वह हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह हमजा को स्कूल में भेज दिया था और हुज़ैफ़ा जो है उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि उसने मुझे ना वीडियो शूट भी नहीं करने दी और उसने खाना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बच्चा है ना, खा ले इसको। फिर मैंने स्टार्ट करवा दिया था। तो बस जिस तरह से रेगुलर रूटीन, सुबह का टाइम सबसे पहले नाश्ते से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर मैंने अपने रूम को क्लीन करना शुरू किया। आज मुझे ये था कि आज मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था कि मैंने आज अपना काम जो रूटीन है उससे हटकर ज़रा जल्दी करना है। तो फिर जब इस तरह से हमारे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, अगर हम अपने आप को एक टास्क देते हैं कि एक टारगेट है कि हमने इस तरह से काम करना है, तो आप यकीन करें ये मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने जिस तरह से आज काम किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 o'clock पर बिल्कुल फ्री थी अपना सारा काम करके, किचन, मेरे रूम और हुज़ैफ़ा को नाश्ता भी। और यही मॉर्निंग रूटीन के सारे बेसिक होते हैं और लंच की तैयारी, मेरा सारा काम बहुत इजीली हो गया था। तो यही बात है कि अगर फिर हमारे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। तो बस ये देख लें आप, मैं रूम को जल्दी जल्दी पहले वैक्यूम कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने इसको मोप भी करना था। अच्छा, मैंने इसलिए भी आज ज़रा काम अपना जल्दी किया है कि ना मुझे कहीं जाना था, तो उसके लिए भी है कि ना मतलब मुझे 2-3 days लगने हैं कि मैं अपने काम को जल्दी जल्दी मैनेज करके वाइंड अप करूं। और फिर साथ साथ आपको पता है वीडियो भी शूट करना होती है, तो बस ये है कि वो काम जितना भी है जल्दी जल्दी मेरा हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ मैंने जाना है मैं आपके साथ वो भी व्लॉग शेयर करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला फिर आपको और नेक्स्ट अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बस ये है कि ना मुझे भी 2-3 days ज़रा बिज़ी रहना है, बहुत ज़्यादा अपना सारा काम जो भी है, वीडियो भी अपनी साथ साथ करनी है शूट। तो इसलिए फिर ये देखिए मैंने अपना काम बस फिर जो हाफ डे है उसमें मैं अपनी थोड़ा साथ साथ बच्चों के साथ पैकिंग का भी साथ साथ ऐसा ऐसा होता है काम। तो ये आप देख सकते हैं कि ना ये मेरा ना रूम क्लीन हो गया है और किचन भी मेरा क्लीन हो गया था। और फिर मैं अंदर रूम में आ गई थी, रूम के भी मुझे सोफ़ा कवर और कुशन वगैरह ठीक करने थे। तो बस फिर ये काम जल्दी जल्दी करके और उसके बाद फिर मोप सॉरी वैक्यूम स्टार्ट करना था, वही रूटीन सेम। और ना डेली क्लीनिंग होती है और डेली ही मतलब लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर वो सब कुछ वैसे ही मैस हो जाता है दोबारा ना। लेकिन फिर भी खैर ये हम मदर्स की एक ड्यूटी है जो हमें डेली करना होता है काम। तो बस ये मैंने वहाँ से कुशन वगैरह सेट करके और यहाँ से ना मोप स्टार्ट कर दिया था। हुज़ैफ़ा साहब साथ साथ कर रहे थे थोड़ा सा ज़रा तंग, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं करता, ये खेलता रहता है। तो बस ना वाइंड अप करना था काम।
अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। आज मैंने ना यहाँ से सारी क्लीनिंग करके किचन में जाना था, और मैंने सोचा चलो मैं खाना भी जल्दी से बना कर ना, और उसके बाद फिर फ्री हो जाऊँगी, बाकी जो मुझे अपना काम करना है वो मैं कर लूँगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ से फ्री होके अंदर गई हूँ। वहाँ पर हमजा ने आज बोला था कि उसने आलू की जो टिक्कियाँ होती हैं वो खानी है मामा। मैंने कहा चलो सही है, ठीक है। मैंने आलू बॉयल किए और उसके बाद फिर मैंने उसी तरह से मैश करके और उसके अंदर सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के और उसको मतलब साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी, और फिर मैं उसको सारा प्रोसेस करके रख दिया कि बस अब मैंने इसको फ्राई करना है थोड़ी देर ठहर के, थोड़ा रेस्ट करके ना, और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, जब मैंने ना उसको फ्राई करना स्टार्ट किया ना, तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं देख लेती हूँ कि मेरी वीडियो ठीक से बन गई है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो क्लिप इसका मैं लेती हूँ। तो जब मैं वहाँ पर देखा ना, तो वो कैमरा मेरा ऑफ था। मुझे इतना हुआ कि हो, मैंने ना इतनी अच्छी मज़े की बनाई है और मेरा कैमरा ऑफ है। तो अब वो तो सारा नहीं हो सका, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो फ्राई कर रही हूँ उसके मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा बनाऊँगी ना, तो आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की रेसिपी है, और बच्चे जो हैं वो बहुत आराम से केचप के साथ खा लेते हैं, उनको लंच बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो यह है कि जब हमसा का कुछ नहीं दिल कर रहा होता तो ये जस्ट केचप के साथ ही खा लेते हैं, और हुजैफा भी माशाल्लाह इसके साथ शौक से ना खा लेता है। तो बस ये मैंने पैन में ऑयल डाला, उसको थोड़ा गर्म करके ना, और फिर अंडा जो था उसको बीट करके, और फिर मैंने इसमें जो कबाब हैं आलू के वो इसमें मतलब फ्राई करना शुरू कर दिए। तो इसमें बस इसी तरह से, अच्छा इसमें मैं वैसे आपको बता देती हूँ, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ, काली मिर्च, अजवाइन, प्याज, हरा धनिया और अदरक, वो मतलब चॉपर की इसमें मैंने डाल दी थी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँगी। अभी तो मैंने इसी तरह से आपको बता दिया, लेकिन बहुत मज़े के बने थे, हमजा और जैफा ने बहुत शौक से खाए। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग यहीं तक के लिए था, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।